हाय फैमिली, कैसे हो? आज आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। आज का चैलेंज है 24 आवर्स चैलेंज 100 रुपीज़ में। मैं ये 100 रुपीज़ का नोट निकाल लेता हूँ। तो आज का चैलेंज है 100 रुपीज़ में मुझे सर्वाइव करना है। देखते हैं 100 रुपीज़ में आज मैं पूरा दिन कैसे गुजारा करता हूँ। वैसे तो मेरा रोज़ का खर्चा ही 500-600 से ऊपर हो जाता है, पर आज देखते हैं। बिरयानी खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, तो आजकल तो नॉर्मल हो गया 500-600। फिर भी आज 100 रुपीज़ में देखते हैं कि अजमेर शहर में मुझे क्या मिल जाता है और पता नहीं कैसे सर्वाइव करूँगा, लेकिन देखते हैं। आप लोगों की कृपा और माता रानी के आशीर्वाद से 100 रुपीज़ में सर्वाइव करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, सुबह के नाश्ते से शुरुआत करते हैं। 8 बज गई है, तो देखते हैं कि क्या मिलता है अभी सुबह सुबह मुझे, और उसके बाद मैं शाम तक कैसे गुजारा कर पाऊँगा मुझे नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मुझे आम का एक ठेला मिल गया है। देखते हैं, पता नहीं वो आम मुझे 10 रुपये या 20 रुपये में देगा या नहीं देगा, पता नहीं है मुझे। तो चलिए देखते हैं। आराम से रोड क्रॉस करना भाई। आम तो अच्छे दिख रहे हैं। कहाँ है भैया? कहाँ गए भाई? कौन देगा हमें आम? भैया आ गए। आम कैसे दे रहे हो? आम 100 रुपए के सवा किलो। 100 रुपए के सवा किलो। और कुछ कोई है 10-20 रुपए का कोई फल है? 10-20। ये कितने का दे रहे हो? एक एक फूल के ऊपर है। एक बताना कितने का पड़ेगा? है 20 रुपए मिल जाएगा? 20 रुपए, क्या बात है गाइस, 20 रुपए में आम मिल रहा है, सही है। काट के भी दे दोगे? चाकू नहीं है। चाकू नहीं है? कुछ है ऑप्शन? ऑप्शन आऊँगा कैसे मैं 20 रुपए में? काट दोगे? दो काट के दो। खाते हैं भाई आम, खाते हैं 20 रुपए में। गाइस, हमें फाइनली एक फ्रूट तो मिल गया, बड़ा सा। मेरा हैवी तो नहीं, पर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाएगा। फिर देखता हूँ मुझे कैसे, बाकी मेरे बचेंगे 80 रुपीज़, तो देखते हैं क्या है। भैया वहाँ जाके मेरे लिए फल काट रहे हैं। 20 रुपए में आम मिल गया दोस्तों। 20 रुपए में आम कभी खाया आप लोगों ने? मैंने तो कभी नहीं खाया, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। हमेशा पापा ही लेकर आते हैं आम। तो मीठा है ना? चलो ये आ गया आम। आम तो मीठा है यार आपकी तरह, बहुत बढ़िया। वैसे आम आप पैसे दे देते हो 20 रुपए में या मेरे लिए करा आपने? आपके मेरे लिए करा है, क्या बात है, थैंक यू। आज चैलेंज है 100 रुपीज़। हाँ बहुत यमी है दोस्तों, बहुत सीरियसली मजा आ गया। ये आपके 20 रुपए में देता हूँ, ये लो। 100 का नोट मेरा टूट रहा है। बाकी कितने बचे? 80 रुपए। ये आ गए 80। बाकी 80 रुपए बचे हैं। अब आम से तो कुछ होगा नहीं, देखते और क्या होगा। थैंक यू दादा, मैं आ गया। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं पोहा सेंटर, सुरेश पोहा सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो इंदौर के प्रसिद्ध पोहे अब अजमेर में मिल रहे हैं। देखते हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए 10 रुपये में पोहे, क्योंकि मुझे चलाना है रात तक का खर्चा खाने का अपना। तो देखते हैं 10 रुपये में मुझे पोहे देते हैं भैया या नहीं देते हैं। चलो आराम से, आराम से रोड करना भैया, क्रॉस करना भाई। बहुत फास्ट फास्ट हो गया आज भैया। पोहा मिल जाएगा 10 रुपये मिल जाएगा? 10 की बना देंगे, वैसे 20 की प्लेट है। 10 की बना दो यार, 100 रुपये चैलेंज है रात तक का। 100 रुपये में भैया मान गए भाई, 10 रुपये में पोहा। भैया वैसे कितने के देते हो पोहा आप? 20 का ही देते हो? चलो थैंक यू यार। वाह, पोहा बहुत अच्छे से नमकीन नमकीन डाल के, टमाटर कांदा, क्या बात है। नींबू भी डाल दिया भैया ने। अजमेर के लोगों का दिल बहुत बड़ा, ये बात मानूंगा मैं। बाकी और शहरों में मैंने किसी में इतना देखा नहीं है, बाकी अजमेर के शहरों को पता नहीं आपके शहर में मिल जाता है 10 रुपये का यहाँ पोहा या नहीं। बाकी बहुत टेस्टी पोहा बनाया। चलिए टेस्ट करते हैं इनका पोहा।
उसमें मसाला बहुत अच्छा डाला भैया। मसाला क्या घर में बनाते हैं आप? जीरा वाला है, मसाला का नाम है जीरा वाला। जीरा वाला एक नंबर बनाया भैया, पोहे बहुत टेस्टी लग रहे हैं। महारानी की तरह इन्होंने छुपा के रखा है पोहे को, देखो कितना बढ़िया। और ये सुबह तो काफ़ी भरा रहता है, पर कब तक खड़ा रहता है लास्ट? तो अपने वैसे आज शनिवार वैसे कब तक? 2:30 बजे तक लास्ट रहता है। क्या नाम है आपका भी बता दो। सुरेश साहू। सुरेश साहू जेएलएन के पास में हॉस्पिटल के, नाम लिखा ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर के बाहर। क्या बात है अंकल, की स्माइल बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। सारे फ्लेवर आ रहे हैं। देते हैं इनको 10 रुपये, बाकी बचे हमारे पास 70। 70 रुपये में अब अपन को गुजारा करना है। ये लो भैया, थैंक यू सो मच। बाकी पोहे बहुत टेस्टी है। सारी चीज़ें डाली इन्होंने। मजा आ गया। तो गाइस अब सुबह का नाश्ता तो हो गया दोस्तों, अब दिन का खाना 1-2 बजे देखेंगे कि क्या मिलता है। नहीं बहुत शोर है, दिन का खाना 1-2 बजे देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बचे हमारे पास 70 रुपये ओनली, 70 रुपीज़ बचे हैं। अब रात तक देखते हैं 70 रुपीज़ हो जाएगा कुछ, आपको क्या लगता है 70 रुपीज़ तक रात तक हो जाएगा मेरे खाने तक का? देख लेंगे। चलो चलिए भैया, मिला है बहुत, थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया आपने? सुरेश साहू, जेएलएन के पास में पोहा सेंटर। बहुत टेस्टी पोहा, मज़ा आ गया। चलो तो दोस्तों अब हो गया है लंच टाइम और काफ़ी हो गई है धूप और गर्मी। आपके शहर में गर्मी है या नहीं है, कितनी गर्मी है, टेम्परेचर जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और यहाँ पे तो कम से कम चल रहा है 39 से 40 डिग्री, बहुत गर्म है। और मेरे पीछे है राइस अबव बॉल, पता नहीं आप लोग देख सकते हैं या नहीं। अब देखते हैं मेरे को खाना 10 रुपये या 20 रुपये मिलता है या नहीं मिलता है, मेरे को नहीं पता है मेरा कैसे गुजारा होगा। तो अभी दिन का टाइम है, लग रही है बहुत भूख। आम और पोहे से तो हमारा काम हो गया था सुबह फ़िलहाल के लिए, लेकिन अब दिन का टाइम है, दिन को हम थोड़ा खाते हैं हैवी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि सुबह खाओ भारी, उसके दिन को खाओ कम और रात को खाओ हल्का। तो अभी देखते हैं, दिन को भी थोड़ा हमें भारी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरा पेट काफ़ी भारी रहता है, मतलब भूख मुझे ज़्यादा ही लगती है। चिकन मटन वाला आदमी का मैंगो और खाली उससे तो क्या होगा। चलो फिर भी देखते हैं अभी दिन को क्या मिल जाता है। 30 रुपये नॉनवेज तो मुश्किल से, आज पूरा वेज पे जीना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं राइज़ अप बॉल हमारी ख्वाहिश पूरी करता है या नहीं करता है 10-20 रुपये में, देखते हैं, मुझे नहीं पता है। तो गाइस अब हम आ गए हैं राइस अबव बॉल पे। राजमा राइस, कड़ा राइस, छोले राइस आप देख सकते हैं, काफ़ी आइटम है इनके पास। भैया क्या क्या मिल जाएगा अपने पास? छोले राइस है और राजमा राइस और राइस। कितने में दे रहे हो? 35 की हाफ है, 50 की फुल। 35 की हाफ है, 50 की फुल। अच्छा 10 रुपये छाछ के। अच्छा 35 में मतलब क्या मिल जाएगा? कड़ी एक तो ये है दही की, तो 35 में आएगा, कोई 50 में आएगा। अच्छा और एक राजमा है और दूसरा क्या है? कड़ी। कड़ी अच्छा, तो 20 रुपये में दे दोगे क्या? 20 की नहीं आएगी भैया। दे दो यार भैया, 100 रुपये चैलेंज है। तो भैया मेरी बात सुनिए, हमारे प्लेटों के हिसाब है। अच्छा फिक्स रेट है। सब्जी आ सकती है खुली? अच्छा खुली के अंदर 20 की 30 की 50 की। अरे यार 100 रुपीज़ चैलेंज है भैया, 20 रुपीज़ कर दो। नहीं भैया नहीं हो सकता, फिक्स रेट है भैया। 30 कर दोगे? नहीं भैया, 5 रुपीज़ का तो डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट नहीं है भैया, डिस्काउंट मिलता है जैसे 50 प्लेट 100 प्लेट कराओ ना, तब डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अरे यार कर लो 30 रुपये भैया यार। नहीं भैया 5 रुपये का तो डिस्काउंट दे दो। होता ही नहीं भैया इसमें एक आदमी। अरे यार भैया ऐसे मत करो, मेरे पास फिर कितने बचेंगे? मेरे पास 70 हैं, 30 कर लो भैया। नहीं होता मेरे को रात का खाना भी खाना है, कैसे करेंगे हम लोग अपना चैलेंज पूरा? 30 कर लो प्लीज़, 5 रुपये सेट को साथ देना पड़ता है, पूरा काउंट होता है। कर लेना ना यार भैया प्लीज़। नहीं सर होता ही, प्लीज़ यार भैया मान जाओ यार भैया, यार यूट्यूब के लिए मान जाओ, मेरे व्यूज़ के लिए मान जाओ यार भैया। फिक्स रेट है सर 30 रुपीज़। नहीं सर यार थोड़ा कम दे देना,
कम की बात नहीं सर, वो काउंट तो होता है ना, थोड़ा कम दे, कम दे देना तो काउंट होगा ना, राजमा कम दे देना थोड़े सर, वो बात नहीं है, मगर बोल तो जाएगा ना सर। अरे यार क्या करूं दोस्तों, भैया तो मान ही नहीं रहे हैं, कर लो यार भैया 30 रुपये, कर लो यार, कर लो, छोटा भाई हूँ आपका यार, कर लो यार, भैया मान ही नहीं रहे हैं यार 30 रुपये में, करूं क्या। सत्तर में से 35 गए, कितने बचेंगे, 35, 35 ही तो बचेंगे। ये कहाँ पे भेजूंगा बना क्या, ये आज चैलेंज है 100 रुपये में हमें सुबह से लेकर रात तक का खाना खाना है, हमें 35 रुपये आपको दूंगा तो मेरे पास खाली 35 में रात का खाना और मीठा कैसे खाऊंगा, सब आएगा सर, कहाँ से आ जाएगा 35 रुपये में, हमारे तो सर देखो मैं सही होता तो आपको कर लो यार 30 रुपीज़ कर लो यार, भैया तो मान ही रहे जित पे अड़े में नहीं देंगे, चलो खिलाओ आज खाते हैं इनके राजमा चावल, आप आप तो पता नहीं क्या होगा ये चैलेंज का, तो मेरे तो पसीने आते जा रहे हैं गर्मी की वजह से भी और टेंशन की वजह से भी, बाकी राजमा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं इनके राजमा, देखो गाइस कितने जैसे, हाँ मसाला लाइट, इसमें थोड़ी सी और कोई दूसरी सब्जी भी दे सकते हो 35 रुपये में मुझे, क्या क्या ये कड़ी है, छोले, ये छोले है और वो क्या है, कड़ी, वो दही वाली है, हाँ। थोड़ी सी दही डाल दो, दही वाली खा लेते हैं, हाँ हाँ गर्मी में दही बहुत सही रहती दोस्तों, पर मेरे को 35 रुपये बचे हैं, दोस्तों प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे से चाट मसाला वगैरह, चाट मसाला ही ना, चाट मसाला कड़ी और ये 35 रुपये, बाकी मेरे पास बचे हैं 35 रुपये, मम्मी को समझ में आया रात को मैं 35 रुपये का क्या खाऊंगा, एक नंबर है ये, आप खुद बनाते हो भैया, सेठ जी की वाइफ है वो बनाते हैं, सेठ जी की वाइफ बनाती है, राजमा बहुत अच्छे से गले में, पंजाबी है ये देखो कितने अच्छे से राजमा गले में, राजमा मैं ढंग से दिखाता हूँ, ये देखो और ये गया मेरे मुंह में, अल्टीमेट है ये, क्या है लहसुन है, हाँ। ओके लहसुन लहसुन भी डालते हो, बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं काम करता हूँ दिन को ही सारा पेट भर लेता हूँ, आज रोज खाने की जरूरत ही नहीं पड़े, भैया कड़ी पकौड़ा भी डालोगे क्या 35 में, एक पकौड़ा है, थैंक यू यार भैया, यह है ये आ गया गाइस कड़ी पकौड़ा, हाँ हाँ स्पाइसी है थोड़ा, मिर्ची बाद में लग रही है खा के, इनके बाद छोले चावल, राजमा चावल और तीसरी क्या कड़ी, नई कड़ी आप खा सकते हो, और राइस भी बहुत अच्छे हैं आपके, छाछ भी रखते हो भैया, छाछ 10 रुपये, छाछ 10 रुपये की, छाछ 10 रुपये की, लेकिन मैं नहीं पी सकता, क्या करोगे भैया वीडियो का, बाकी मैं जा गया वीडियो क्या, ये यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब पे कर लेना मनीष लाइफस्टाइल के नाम से, ठीक है आप भी आ जाओगे इसमें, आप भी सब्सक्राइब करो, देखो मत खाली मुझे, सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को, कड़ी पकौड़ा मजा आ गया, भैया को पैसे दे देते हैं, या ये लो, दोस्तों बचे खाली 20, 30 और 5, खाली 35 रुपये बचे हैं, मुझे नहीं पता रात को कैसे गुजारा करूँगा मैं अपना,
सोच तो मैंने मीठे का भी रखा था लेकिन भैया ने तो ना महंगा दे दिया। महंगा नहीं भैया, रेट वैसे तो सही है, वैसे 35 में सही है। क्या लोगे यार 35 में हाफ प्लेट इतनी भरी हुई। चलिए थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? मेरा रेडन टेलर। रेडन टेलर, क्या बात है, रेडन टेलर नाम है इनका। रेडन टेलर के कपड़े भी बनते हो क्या? सिलाई का काम है। सिलाई का काम है, चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी राजना चौला के बहुत अच्छे। हेलो भैया, थैंक यू। ओके। हेलो दोस्तों, शाम हो चुकी है और अब मुझे लगी थोड़ी हल्की फुल्की भूख और अब हम खाएंगे पानी पूरी, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे खड़े हैं D&D पानी पूरी वाले भैया। तो दोस्तों मुझे नहीं पता ये चैलेंज पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब खाली मेरे पास बचे हैं 100 रुपये में से खाली 35 रुपये, 20 का नोट, 10 का नोट और 5 का नोट। अब देखते हैं चैलेंज पूरा होता है या नहीं होता है, ये तो पानी पाता से वाले भैया ही डिसाइड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है D&D पानी पूरी वाले भैया। नमस्ते भैया, क्या नाम है? क्या नाम है? सुखदेव पूजा जी। भैया पानी पता से कितने के? 20 के 6। बहुत महंगे, वैसे महंगे नहीं लगते लेकिन आज महंगे लग रहे हैं दोस्तों। 10 के मिल जाएंगे? नहीं, 10 का नहीं, 20 के 6। मान जाओ भैया यार, 10 के दे दो। 35 रुपये भैया, मान जाओ यार। 10 के 20 के नहीं। अरे दे दो यार भैया, यार बच्चा हूँ आपका। चलो भैया मान गए, कोई बात नहीं। चलो ये रहे 10 रुपये, मैं दे रहा हूँ भैया को पहले। चलो थैंक यू, थैंक यू भैया। कहाँ आ जाऊँ? सामने आ जाऊँ? चलो सामने आ जाता हूँ भैया। मिर्ची कम रखना है ना, 6 पानी पूरी। पहली बार 10 रुपये में मैंने पानी पता से खाया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़ा है पता से, पताशे बड़े हैं और कुछ बड़ा नहीं। दोस्तों मुझे लगे पैसे बहुत अच्छा है। रात का टेंशन हो रहा है, मेरे पास खाली 25 रुपये बचे। मजा आ गया, 10 रुपये में पहली बार मैंने इतने बताशे खाए, जो कि इम्पॉसिबल है। एक और है, क्या बात है। मैं शक्ल से गरीब तो नहीं दिखता हूँ। बढ़िया भैया बताशे आपके। एक और भैया ने दिया फ्री में। बताशे फिनिश है। अब रात का प्रोग्राम, रात को देखेंगे 2500 में क्या मिलता है, मुझे नहीं पता है। थैंक यू भैया। ओके सर। तो दोस्तों अब हो गई है रात, रात के बज रहे हैं, 10 बजने वाली है और अब लग रही है जोरों की भूख। मेरे पास बचे हैं खाली 20 रुपये और 5 रुपये, 20 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। अब 25 रुपये में क्या आता है मुझे नहीं पता, पर कोई हैवी आइटम तो नहीं बता, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ छोले भटूरे पाव भाजी भी मैं सोच नहीं सकता, 70-80 रुपये की प्लेट मिनिमम मिल जाएगी, पर वो भी मेरे पास इतने पैसे नहीं आज। तो देखते हैं 25 रुपये में क्या मिलता है। दोस्तों मैं जाता हूँ फ़िलहाल के लिए, कुछ ढूंढता हूँ और देखते हैं क्या मिलता है मुझे। 10 बजे कहाँ भटकूँ, फिर भी चलो ट्राई करता हूँ कि 20 और 5 रुपीज़ यानी 25 में मुझे क्या मिलता है खाने को, ट्राई करते हैं। चलिए तो दोस्तों हम आ गए हैं किसान बेकरी पे। भैया ने शॉप हमारे लिए रोक दी, अभी बढ़ा रहे थे आइटम, पूछ लेते हैं इनसे क्या क्या मिल जाएंगे। पिज़्ज़ा क्या पड़ेगा? 25 रुपये पिज़्ज़ा। 25 रुपये, चलो बढ़िया, 25 ही बचे। और
पेटीज नॉर्मल 10 रुपये और चीज़ पेटीज 25 रुपये। अच्छा और क्या क्या है? और बर्गर है, हॉट डॉग है। बर्गर कितने का है? बर्गर 25 रुपये। बर्गर 25। चलो यहाँ पे 25 से 30 रुपये का ये, चलो मेरा काम हो जाएगा। दे दो 25 रुपये की चीज़ पेटीज दे दो। एक एक के पैसे हैं। चीज़ अच्छे से डाल के देना भैया 25 में। टोटली फाइनली ख़त्म। अब टोटल डेजर्ट के वैसे कुछ भी नहीं बचे। 100 रुपीज़ चैलेंज था पूरे दिन का। टोटल यहाँ पे 25 और 30 रुपये का ही मिलता है ना बस। सही। काफ़ी घूमने के बाद आखिर मुझे ये शॉप मिली और 25 रुपये में मुझे मिल रही है चीज़ पेटीज। आपके शहर में मिलती है या नहीं मिलती कमेंट में बताओ। वैसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा दोस्तों, बहुत भूख लगी है। डेजर्ट के तो पैसे ही नहीं बचे, पर डेजर्ट के लिए मैंने एक आइडिया सोच रखा है। देखते हैं, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, फिर भी मेरे एक मन में खुराफाती, दिमाग में खुराफाती चीज़ चल रही है। ये आ गई दोस्तों हमारी चीज़ पेटीज बार। वाओ, चीज़ देख रहे हो भैया, चीज़ कम तो नहीं है? सही है। और क्या क्या पड़ा हुआ इसमें? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, टमाटर है। अच्छा टमाटर, ये देखो दोस्तों, ये आ गई हमारी 25 रुपये में चीज़ पेटीज। आलू, आलू, आलू का मसाला, मसाला अलग आता है, मसाले में आते हैं 8 प्रकार के मसाले। क्या बात है। ये लिया हमने केचप, अंदर डाल के खाते हैं। बचपन में हम ऐसे ही खाते थे यार, मैं तो अभी ऐसे ही कहता हूँ। डाल दिया हमने सॉस। गरम बहुत है। और यमी है चीज़ पेटीज़ आपकी। दोस्तों चैलेंज तो मैंने जीत लिया है, मतलब ठंडे की बारी है डेजर्ट की, बाकी देखते हैं। मेन कोर्स तो नहीं हो पाया, पर ठीक है 25 रुपये में जो मिला फिर भी सही है, काफ़ी सही है। चीज़ पेटीज बहुत यमी है। चीज़ का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आ रहा। आ गया चीज़ पेटीज तो हमने खा ली है, और अब हम भैया को देते हैं 25 रुपये जो कि यहाँ पे होता है एंड। भैया थैंक यू, ये आपके 20 और ये 5, थैंक यू सो मच। ओके चलिए अब ठंडे का जुगाड़ करते हैं। ठंडा कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, खा रहे के पैसे तो कुछ नहीं बचे, पर मेरे पास एक आइडिया है डेजर्ट के लिए, तो देखते हैं क्या है। तो दोस्तों हमारा चैलेंज तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे पास पैसे तो कुछ बचे नहीं है, लेकिन मुझे कुछ खाना है ठंडा। तो अब देखते हैं, पीछे है मेरे आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता ठंडा, देखते हैं, नहीं तो ठीक है चैलेंज तो कंप्लीट है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्रेविंग हो रही थी कुछ ठंडे की, तो देखते हैं। तो दोस्तों बास्किन रॉबिन आ गए, ये देखो खूब सारी आइसक्रीम्स पड़ी हुई है। भैया टेस्ट करवाना एक बार। कितनी आइसक्रीम है आपके पास? 31 फ्लेवर्स है। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज भाई, नीरज भाई के पास आए हैं बास्किन रॉबिन्स में 31 फ्लेवर। देखो कितने सारे फ्लेवर्स है, फ्लेवर्स देखो आप। वाओ कितने फ्लेवर भी ऐड हुआ है, ब्राउन बिस्किट है सर, नॉटी न्यूटेला है, फेरेरो मोमेंट है। क्या हुआ, ट्राई कीजिए सर, ट्राई करवा दो। ये सर ब्राउन बिस्किट है, ये ब्राउन बिस्किट, ये नॉटी न्यूटेला है सर, नॉटी न्यूटेला, हां चॉकलेट फ्लेवर। वाओ नॉटी अमेरिका तो सुना था नॉटी न्यूटेला। ये अच्छा फ्लेवर है सर, एक है फेरेरो मोमेंट। वाओ फेरेरो मोमेंट, ये चॉकलेट है। एक वो मैंगो वनीला भी करो ना।
फांसो मैंगो, अल्फांसो मैंगो, प्लेन वनीला सर, इसका वनीला बहुत टेस्टी होता है। इसका वनीला अच्छा है, मैंगो बहुत अच्छा है, वेरी रिफ्रेशिंग है। एक 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 भैया मेरे को ये भी कराओ ना, लोटस बिस्कुट भी है। हाँ ये भी कराओ। लोटस बिस्कॉफ, वाओ बहुत अच्छा है लोटस बिस्कॉफ। और भैया एक एक ये कराना, ये ग्रीन वाला, ये मिंट है, मिंट है, मिंट चोको से। मिंट ये तो अच्छा है। और ये नहीं को तो वापस वही करो, बिस्कॉफ वाला, हाँ लोटस बिस्कॉफ, ये बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू नीरज भाई ने लोटस बिस्कॉफ। मजा आ गया। ठीक है भैया, अभी तो सर्दी बहुत है, मैं गर्मियों में आऊँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 स्पून्स मैंने ट्राई कर लिए, नहीं बहुत अच्छा लगा, सीरियसली थैंक यू, मैं गर्मियों में आऊँगा। ठीक है, ओके नीरज भाई, थैंक यू, बहुत अच्छी सर्विस थी, थैंक यू नीरज भाई। तो दोस्तों चैलेंज कम्प्लीट हो चुका है, मेरे खुराफाती दिमाग ने आखिर मेरे को आइसक्रीम दिलवाई दी। और ये 24 आवर चैलेंज बहुत मुश्किल था, बहुत जगह भूख भी लगी, बहुत जगह वो भी हुआ, लेकिन 100 रुपये में हमने सर्वाइवल कर लिया और 100 रुपये में भी खाना मिल सकता है। तो सुबह का, दिन का, रात का आखिर जैसे तैसे मैनेज कर लिया, जफाकशी करके, लोगों से मिन्नतें वगैरह करके आखिर हो गया और चैलेंज कम्प्लीट हुआ। और हमने डेजर्ट भी खा लिया, वो भी फ्री में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दो नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियोस के लिए। आने वाली वीडियोस और भी बेहतर बेहतर होने वाली है, बहुत बढ़िया कंटेंट्स आने वाले हैं, वो मैंने दिमाग में सोच रखे हैं। तो उसके लिए आप ये लाल बटन ठोक दो आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में।